नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानी। मैं आप सभी का अपने क्यून किचन रानी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मेरे घर में हर किसी की डिमांड थी पकौड़े की, तो मैंने सोचा कुछ तो स्पेशल पकौड़े बनना ही चाहिए, क्योंकि डेली डेली वही पनीर, वही आलू, वही प्याज के पकौड़े खा खा कर हर कोई बोर हो गया था। तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम बनाते हैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़ा। इसके सामने तो सारे पकौड़े फीके पड़ जाते हैं, तो आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़े। तो आइए देखते हैं ब्रेड पकौड़े के लिए हमें कौन कौन सा सामग्री चाहिए। ये हमने 2 कप के करीब बेसन लिया है, ये चने का बेसन है। हमने इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया, 1/2 चम्मच हमने कलौजी डाल दिया, इसको कहते हैं अजवाइन और कलौजी, और 1/2 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया, 1/2 चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिए, 1 चम्मच हमने मिक्स मसाला डाल दिए, इसमें सब कुछ मिक्स रहता है, 1/2 चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा हमने कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दिया, ये तीखा नहीं लगता। अब हम थोड़ा सा इनो डालेंगे, इससे बहुत ही स्मूथ आपके पकोड़े बनेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत हार्ड हार्ड पकोड़े बनते हैं ना, तो अगर आप थोड़ा सा इनो डाल देंगे तो बहुत ही आपके पकोड़े कंटीन जैसे बिल्कुल होटल में जैसे बनता है ना, बिल्कुल वही उसी तरीके से बनेगा। तो मैं इसको अब मिक्स कर लूँगी, 2 पिंच के करीब मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। 1 चम्मच हमने इसमें क्रोन फ्लोर डाल दिया, हमने क्रोन फ्लोर इसलिए डाला है ताकि हमारा पैन में पकौड़े एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपके ना, बिल्कुल खिले खिले बहुत ही अच्छे बने, इसलिए हमने डाल दिया। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे आपके पकौड़े बनाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बेसन का घोल तैयार कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगातार हमें चलाते रहना है, एक साथ इकट्ठा पानी ना डालें, नहीं तो आपके या तो गीले हो जाएंगे, बेसन बिल्कुल आपका गीला हो जाएगा तो अच्छे नहीं बनेंगे पकौड़े, बहुत दिक्कत आएगी फिर बनाने में आपको। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस घोल को तैयार कर लेंगे, गुठलियाँ बिल्कुल भी बेसन में नहीं होनी चाहिए। अब इसे अच्छे से हमें फेंट लेना है, जितना अच्छा आप फेंटेंगे उतना ही अच्छा आपका पकौड़ा अच्छा बनेगा। तो आप देख सकते हो ये लगभग तैयार हो गया है, जैसे आप प्याज आलू पनीर के पकौड़े बनाते हो ना, उससे हल्का सा गीला होना चाहिए। आप लोग देख सकते हो कितना है, आपको देख के लग रहा होगा बिल्कुल आपको ऐसे ही होना चाहिए, ये परफेक्ट बेटर है। तो हमने इधर बॉईल किया हुआ आलू ले लिया है, ये 4 से 5 आलू है, इसको हम छील लिए और हमने मैश कर लिया हाथों से। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया और 1/2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर। इधर हमने थोड़ी सी धनिया ले लिया, 3 हरी मिर्ची, एक थोड़ा सा 1 पिंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। तो ये हमारा तैयार, अब इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इधर हमने पैन रख दिया है, इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया, तेल हमारा गर्म हो रहा है। इसमें हमने थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया और कलौजी डाल दिया, सौंफ डाल दिया हमने। अब हम इसमें डाल दिए हरी मिर्ची, मैंने सारे तड़कों को डाल दिया। अब आलू को हम अच्छे से डाल के लगातार 2 मिनट तक हम भून लेंगे, जब तक इसमें एक अच्छी खुशबू ना आ जाए। तो देख सकते हो हमारी आलू भून चुकी है, इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था उसको डाल दिए। अब इसे हमें अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। हमने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच हमने इसमें गरम मसाले डाल दिए, बस
हमारा मसाला ये भून चुका है, अब इसमें हम कोई भी चीज़ें नहीं डालेंगे। गैस को फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हमने गैस पे ये तेल पैन रख दिया, उसमें हमने तेल डाल दिया, गरम हो रहा है। तो जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम पकौड़े को तैयार कर लेते हैं तलने के लिए। आपको ध्यान देना है कि जब आपको पकोड़े तलने हो, जितना पकोड़े आपको एक बार में आ जाए उतने ही पकोड़े को तैयार करना है, बाकी को आपको नहीं तैयार करना है। जब तलना हो तभी तुरंत तुरंत आपको तैयार करना है, नहीं तो अगर आप तैयार करके रख देंगे ना तो ये सलद पकड़ लेंगे, टूट जाएंगे, पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस मुझे देख रहे हो, बस मुझे जितना तलना है अभी, मुझे जितनी की ज़रूरत है मैं बस उतना ही यूज कर रही हूँ। बाकी के ब्रेड मैं पॉलीथीन में ही रख दे रही हूँ, बाहर नहीं रखूंगी, नहीं तो सलद हो जाएंगे, टूटने लगेंगे। अब पकौड़े को मैं पलट दूंगी तो देख सकते हो एक भी पकौड़े हमारे पैन में ना चिपक रहे हैं ना कुछ, कितना साफ साफ बढ़िया बढ़िया पकौड़े बन रहे हैं। यही पकौड़े बनाने में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। देख सकते हो कितना अच्छे अच्छे पकौड़े हमारे तल रहे हैं। बाकी के भी पकौड़े मैं इसी तरीके से आपको तल के दिखाती हूँ। तो मेरा अगर बताया हुआ ट्रिक्स अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप लोग इस तरीके से अगर पकौड़े बनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए हमारा पकौड़ा बन के तैयार है। तो आप लोगों को मुंह में पानी आ रहे होंगे ना, पक्का मैं बताती हूँ। देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है, मैं इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, छू के भी, कितना अच्छा बना है, आपको देख के ही लग रहा होगा। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मैं आप सभी को फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।